गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोठी झलक। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर साइंस सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 8। योर चैप्टर 5 इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखते हैं कि वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो हम क्या यूज करते हैं, वेरियस मटेरियल। वेरियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं किसके लिए, तो फॉर अवर बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक जरूरत होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरियस मटेरियल्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। सम ऑफ किसमें से फाउंड करते हैं, नेचर, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। सम ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो ह्यूमन से बने हुए होते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, और सम ऐसे होते हैं मटेरियल्स के जो नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं और मिलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5.1। तो एक्टिविटी 5.1 में क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अ डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैनमेड। तो ये सब तो आपको आता है, स्टैंडर्ड 7th में भी आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल मटेरियल्स कौन सा है, मैनमेड कौन सा है। तो ये आपको नेचुरल मटेरियल्स इसमें लिखना है और इसमें जो मैनमेड मटेरियल्स है वो लिखना है। किसका लिस्ट बनाना है, तो वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय डेली लाइफ यानी कि जो डेली लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं वो क्लासीफाई करके आपको, क्लासीफाई मतलब यानी कि नेचुरल है या मैन मेड है, वो आपको क्लासीफाई करके ये टेबल में लिखना है। ये फर्स्ट कॉलम में नेचुरल मटेरियल्स है वो लिखना है एंड सेकंड कॉलम में जो मैन मेड मटेरियल्स है वो लिखना है। ठीक है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि जो एयर है, वाटर है, सॉइल है एंड जो मिनरल्स है, वो आपको पता है कि वो सारे किस में आएंगे, नेचुरल में आते, वो मैनमेड है नो। तो नेचुरल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो एयर, वाटर, सॉइल्स एंड सम मिनरल्स होते हैं, वो किस में, नेचुरल में, नेचुरल मटेरियल्स में होते हैं। तो सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, तो सारे मटेरियल्स हमें नेचर में से ऑब्टेन होते हैं नो। तो जो मटेरियल्स हमें नेचर में से ऑब्टेन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस। तो वी कैन यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर। तो देखते हैं कैन एयर एंड क्या है कि कैन एयर एंड सॉइल बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7, इट वाटर अ लिमिटेड रिसोर्स। तो चलो ये वाटर के बारे में आपने स्टैंडर्ड 7 में ही पढ़ा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। ठीक है, तो इट इज, वाटर इज लिमिटेड, लिमिटलेस रिसोर्स। तो वाटर जो है वो लिमिट लेस रिसोर्स है। तो क्या है कि इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन टू टू काइंड। तो वो सारे को किसमें क्लासीफाई किए हैं, टू काइंड्स में क्लासीफाई किए गए वो रिसोर्स को। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट के इनहैबिटेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट टाइप कौन सा है, तो उसमें देखते हैं कि दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो वो उनकी जो ये रिसोर्स की क्वांटिटी जो है वो नेचर में कैसा है, अनलिमिटेड प्रेजेंट होती है। तो उसका मीनिंग क्या है कि दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी या इन नेचर। तो नेचर में उनकी क्वांटिटी कैसी है, अनलिमिटेड है एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल आर सनलाइट एंड एयर। तो चलो सनलाइट एंड एयर जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो सेकंड है कि अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो ये जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो किसमें होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। वो किसमें एग्जिस्टेड है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर, चलो फॉरेस्ट है, उसमें कौन से एग्जाम्पल आएगी, तो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है,
मिनरल्स है, कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आएंगे? एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। वो कितने हैं? लिमिटेड, अनलिमिटेड है नहीं, ठीक है। तो इन एग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल के बारे में आपको समझ में आ गया, तो वो ही है कि ये इन एग्जिस्टेबल है वो अनलिमिटेड सोर्सेस है, एंड जो एग्जिस्टेबल है वो लिमिटेड में होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल के बारे में भी, इन एग्जिस्टेबल के एग्जांपल कौन से है? तो सनलाइट एंड एयर। एंड एग्जिस्टेबल के कौन से है? जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कॉल है, पेट्रोलियम है, ये सारे, ठीक है। एक्टिविटी 5.2, तो एक्टिविटी 5.2 में क्या है कि टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफी, सारे से क्या करना है, वो कंटेनर्स को फिल करना है। डिवाइड स्टूडेंट इंटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू द 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। कौन सा लेबल देना है? चलो फर्स्ट क्या है कि टेक सम कंटेनर्स, सम कंटेनर्स लेने हैं, ओनली वन नहीं, कितने सम कंटेनर्स लेने हैं। तो उसमें क्या है कि फिल देम, क्या है कि फिल देम विथ पॉपकॉर्न, किससे फिल करना है वो कंटेनर्स को? तो पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफी से वो कंटेनर्स को क्या करना है? फिल करना है। डिवाइड स्टूडेंट्स इंटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, कितने 7 ग्रुप में वो स्टूडेंट्स को क्या करना है? डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग कौन से 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स, जो 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स है, लेबल दैम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। कौन से देने हैं? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। तो क्या है कि दिस सब ग्रुप्स प्रेजेंट द कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। क्या है कि दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट, वो ये सब ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जो पॉपुलेशन है वो कैसा होगा? ग्रोइंग। एंड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उसमें है कि पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन, अब क्या सेकंड जनरेशन को पूछना है कि कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप डू द सेम है। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली अवेबिलिटी of eatables in each container, if something is left in the container, some things वो है वो containers में से क्या हुई है left, ask third generation को पूछना है कि from each group to consume it, now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not, eatables है कि नहीं, तो also observe if anything is still left in any one of the containers। तो चलो देखते हैं कि assume that eatables in the container present the total availability of an accessible natural resource, like कैसे है जो natural resources, like कौन है? तो coal, petroleum और जो natural gas है वो, and each group may have a different consumption pattern, तो वो group को कैसी है? different consumption pattern भी है। are the earlier generation of any group too greedy, तो it may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations as and the left something for them, उसमें से something क्या हो जाता है? left हो जाता है। तो क्या है कि आपको assume करना है कि assume that the eatables in the container represent the total availability of existing natural resources, कौन से तो coal, petroleum and natural gas। तो each group may have a different consumption pattern, तो ये group को different consumption pattern भी है। are the earlier generation, जो earlier generation है of any groups too greedy, तो क्या है कि it may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them, तो देखते हैं। in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, तो ये chapter में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो in this chapter we will learn about किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो existhible natural जो resources है, तो उसमें कौन सा है? like coal,
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फोसिल्स, सो दैट दिस आर ऑल नोन एज फोसिल फ्यूल्स। तो उसको हम कैसे जानते हैं, कैसे नोन करते हैं, तो फोसिल फ्यूल्स, तो दिस वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि फोसिल्स, सो दैट दिस आर नोन एज ए, उसको हम क्या रीड करते हैं, फोसिल फ्यूल्स। चलो 5.1 है, 5.1 में क्या है, कॉल। तो कॉल के बारे में देखते हैं कि यू मे हैव लर्न, यू मे हैव सीन कॉल्ड और हर्ड अबाउट इट, इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर। तो कॉल के कॉल तो सबने देखा ही होगा, यू हैव सीन तो आपने देखा भी होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। तो यू मे हैव सीन कॉल और हार्ड अबाउट फिगर 5.1 में है, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। जो स्टोन जैसा है वो कलर में कैसा होता है, जो कॉल होता है वो कैसा होता है कलर में, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इधर आपको फिगर 5.1 में कॉल की फिगर दी है। तो कॉल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, यानी कि फूड को कुक करने के लिए कॉल का यूज होता है। तो कॉल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, ठीक है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स, रेलवे इंजिन्स में भी कॉल का यूज होता है कि नहीं, तो इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन, इंजिन को रन करने के लिए और स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज होता है, तो कॉल का। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें भी कॉल का यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कॉल का यूज होता है। कॉल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, यानी कि फ्यूल के फ्यूल में उसका वेरियस इंडस्ट्री यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में भी फ्यूल की फ्यूल में उसका यूज होता है, किसका, तो कॉल का। तो कॉल इज ऑल्सो यूज एज द फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो चलो स्टोरी ऑफ अ कॉल, कॉल की स्टोरीज देखते हैं। तो वेयर डू वी गेट कॉल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, वहाँ से हम कॉल को टेन करते हैं। तो अबाउट 300 मिलियंस ईयर अगो, यानी कि 300 अबाउट, यानी कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो, द अर्थ हैड dense forest in how lying wetland areas, कैसा areas था, wetland areas था यानी कि बेज वाला area था, due to natural forces, तो natural forces के वजह से like flooding, flooding यानी कि pool, this forest got buried, buried यानी कि जो हम दाटते हैं वो under the soil, this forest got buried under the soil, वो किसमें होता है, soil में, as more soil deposited over them, they were compressed. वो क्या हो जाता है, compressed हो जाते हैं, the temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. जो under high pressure यह मिलता है, यानी कि high pressure मिलता है and high temperature मिलता है, तो जो dead plants होते हैं तो वो किसमें स्लोली स्लोली किसमें कन्वर्टर हो जाता है, कॉल में, ठीक है। किसकी वजह से, तो हाई प्रेशर मिलता है और हाई टेम्परेचर मिलते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्लोली स्लोली, तुरंत नहीं होते बट स्लोली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट टू कॉल, एज कॉल कंटेन्स मेनली कार्बन। तो कॉल क्या कंटेन्स करता है, मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पतियाँ होती है वो प्लांट्स होते हैं वो, इनटू कॉल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो क्या है कि द स्लो प्रोसेस ऑफ, वो हम कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि द स्लो, एज कॉल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, तो उसका कार्बोनेशन, सॉरी, तो क्या उसको हम बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कॉल इज ऑल्सो कोल्ड, कॉल जो होता है वो क्या है, फोसिल फ्यूल ही है, तो कॉल इज ऑल्सो कोल्ड फोसिल फ्यूल। अ कॉल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, तो आपको फिगर 5.2 में कॉल माइन दिखाया है, तो हम देखते हैं फिगर
तो ये क्या है, कॉल माइन, यानी कि जो खीण होती है वो। तो व्हेन हीटेड इन एयर, कॉल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हीट एयर में होती है, तो व्हेन हीटेड इन एयर, तो कॉल क्या हो जाता है, बर्न्स हो जाता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। कॉल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कॉक, कोल, टार एंड कॉल गैस। द कॉल इज प्रोसेस्ड इन, इसमें प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, सम यूजफुल प्रोडक्ट्स गेट करने के लिए। सच एज कौन सी, कोक है, कॉल है, टार यानी कि जो डामर होता है वो, टार यानी कि डामर, एंड कॉल गैस के लिए उसको क्या करता है, जो इंडस्ट्री में वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलो कॉक के बारे में देखते हैं। तो कॉक है तो इट इज टो, यानी कि वो कैसा होता है, मजबूत होता है, पोरस यानी कि छिद्राड़ू भी होता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, वो कैसा होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कॉक होता है वो। इट इज एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कार्बन के प्योर फॉर्म में होता है। कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जो स्टील का मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज होता है, कोक का यूज होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, तो मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज होता है। चलो कॉल टार, कॉल टार के बारे में देखेंगे कि इट इज ब्लैक थी लिक्विड, फिगर 5.3 में है। वीक एंड अनप्लेजेंट स्मेल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, कितने 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉल टार आर यूज्ड एज स्टेरिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। तो एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री में ये वेरियस सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मटेरियल्स का स्टार्टिंग किया है, लाइक सिंथेटिक डाइज, जो सिंथेटिक डाइज होती है वो ड्रग्स है, जो एक्सप्लोसिव यानी कि जो स्फोटक होते हैं वो, परफ्यूम्स होते हैं वो, प्लास्टिक होते हैं, पैंट्स होते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, रूफिंग मटेरियल्स होते हैं, एक्सेट्रा, ये सारे। तो क्या है कि उसमें क्या बताया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, तो वो अबाउट कितने सब्सटेंस का मिक्सचर है, तो 200। प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो फ्रॉम कॉल टार में से। आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन अ डेल एवरीडे लाइफ में होता है वो यूज, एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज जो होती है वो, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पैंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, ये सारे। तो इंटरेस्टिंगली नेप्थिलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मंथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कॉल टार। तो ठीक है, तो अब देखेंगे कॉल गैस। तो चलो कॉल गैस में क्या है कि कॉल गैस इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कॉल टू गेट, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री, वो किसमें एज किसमें यूज होता है, तो फ्यूल में मैनी इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। सिचुएटेड नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इंडस्ट्री में नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स के। ठीक है,